है मेरे भरोसा की श्रेया का। मेरा नाम देविंदर सिंह है। मैं सरकारी मिडल स्कूल फतेहपुर जट्टा विच 8वीं क्लास का विद्यार्थी हाँ। अज मैं थोड़े सामने 15 अगस्त बारे विचार बोलन जा रहा हाँ। 15 अगस्त बारे दिन भारत अंग्रेजों की लंबी गुलामी कट्टन तो बाद आजाद होया सी। इस दिन सानू स्वराज मिलिया वे लोगों ने आजाद भारत में सुख का सह लिया सी। इस आजादी को प्राप्त करने बहुत सारे देशभक्त ने जेलां कट्टियां तसीहे झले फांसियां ते चढ़े आकर शहीदां दा खून रंग लाया अते ओ पवित्र दिन आ गया जदों गुलामी की रात गुजर गई अते आजादी का सूरज चढ़ आया। उन्हां दीआं कुर्बानियां सदका भारत 15 अगस्त 1947 नूं आजाद होया। 15 अगस्त वाले दिन राजधानी दिल्ली विच बड़ी रौनक हुंदी है। लोग लाल किले विखे अद्धी अद्धी रात तों ही जुड़ के बैठ जांदे हन। देश दे प्रधानमंत्री तिरंगा झंडा लहराउण दी रसम अदा करदे हन। ओह अपने देशवासियों दे नां इक पैगाम जारी करदे हन। सारे साल दौरान देश की तरक्की प्रति कीते कोशिशों का वेरवा लोगों सामने रखते हैं। इसका सीधा प्रसारण टीवी राही दिखाया जाता है। जिहड़े लोग दिल्ली नहीं जा सकते टीवी राही इसका आनंद माणते हैं। प्रधानमंत्री जी के तिरंगा लहराउण की रस्म तो बाद राष्ट्रीय गीत होता है। स्कूलों और कॉलेजों के बच्चे वख-वख नाच और झाकियां पेश करते हैं। तीन सेनावां दे मुखी तिरंगियां नूं सलामी दिंदे हन। राजधानी दिल्ली तो इलावा यह दिन भारत के सारे प्रांतों में भी बड़ी धूमधाम नाल मनाया जाता है। इस दिन सरकारी दफ्तर कॉलेजों स्कूलों आदि छुट्टी होंदी है ताकि लोग इन्हां प्रोग्रामों का आनंद माण सकन। राज्यों के मुख्यमंत्री ते मंत्री भी अपने अपने राज्यों में तिरंगा लहराते हैं। देशभक्ति के गीतों से नाच गाना हुंदा है अते भंगड़े अते गिद्दे पैंदे हन। इस तरह खूब जशन हुंदे हन। कई स्कूलों में भी 15 अगस्त मनाई जाती है। पिंड शहरों के पतवंत सजन विच शामिल हुंदे हन। बच्चे देशभक्ति के गीत नाटक आदि पेश करते हैं। अंत विच विद्यार्थियों विच लड्डू वंडे जाते हैं। अज असी भावे आजाद हाँ पर असी इस आजादी का आनंद तद ही माण सकते हैं जेकर असी देश विचों रिश्वतखोरी भ्रिष्टाचार आदि दूर करने का यतन करिए। समय की एक बहुत वड्डी लोड़ यह है कि नेता लोग सेवक होन चोर ठग नहीं। कुछ स्वार्थी नेता देश नूं मुड़ तो गुलाम करन ते तुले होए सन। सानू अजिहे नेतावां दा साथ नहीं देना चाहीदा जिहड़े इह साडे देश दे शहीदां प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होवेगी। धन्यवाद।